आखिर जिस बात का डर था वही होने जा रहा है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी को जिस बात को लेकर के डर था, जिस बात को लेकर के चिंता सता रहा था, शायद अब वो होने जा रहा है। बड़ी खबर दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, बड़ी खबर ये आ रही है कि परिप्रेक्षकों की टीम तो अभी जानी थी कि ठीक उससे पहले ही वसुंधरा राजे के आवास पर विधायक जाने शुरू हो गए हैं, फिर से विधायक जो है वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, और इस बात की खलबलाहट भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय है वहां तक जो है एक अलग सा तापमान बनाना शुरू कर रहा है, यानी कि सरगर्मियां ये बढ़नी शुरू हो गई है कि राजस्थान में दरअसल अब होने क्या वाला है। हालांकि सुबह से ये खबरें चल रही थी कि जो भी चेहरा होगा राजस्थान का, काफी आश्चर्यचकित करने वाला होगा, अचंभित करने वाला होगा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा भी चेहरा ला सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ है खबर, उस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज। दोस्तों खबर क्या है, खबर ये है कि इन दिनों राजस्थान की राजनीति के अंदर जो कुछ चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। पिछले एक हफ्ते का समय निकल चुका है लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक सीएम चेहरा नहीं दे पाई है। चेहरे बहुत हैं, पद एक है और चेहरे अनेक हैं। बताइए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे, उसके बाद जो है बाबा बालकनाथ, उसके बाद जो है तमाम ऐसे नेता हैं जो खुद मोदी जी के करीबी हैं, खुद जो है योगी जी के करीबी हैं, खुद जो है गृह मंत्री अमित शाह जी के करीबी हैं, तो कई सारे और भी ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर के चिंतन मंथन किया जा रहा है। लेकिन जब चिंतन किया जाएगा, जब मंथन किया जाएगा, तो ये तो तय है कि कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा। क्या निकलेगा वो जानना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जब मंथन चलता है तो अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है। तो विष किसके लिए साबित होगा दोस्तों, ये जानना बहुत दिलचस्प होने वाला है, और अमृत किसके लिए साबित होगा ये जानना और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खबर ये है कि परिप्रेक्षकों की टीम तो अभी गई ही थी कि उससे पहले ही वसुंधरा राजे के आवास पर फिर से विधायक जमावड़ा होना शुरू हो चुके हैं, और इस बात की खुलबुलाहट दिल्ली में बैठे तमाम शीर्ष आला अधिकारियों तक ये बात पहुंच चुकी है, और बौखलाहट मचनी शुरू हो गई है कि क्या वसुंधरा राजे अपना रास्ता किनारा कर लेंगी, क्या रास्ता दूसरा बनाने वाली है वसुंधरा राजे। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको जो है सीएम नहीं बनाती है तो क्या आखिरी रास्ता अपनाने वाली है। मुझे तो ये लगता है कि जाते जाते वसुंधरा राजे कहीं अपना नया इतिहास ना बनाती जाएं। हो सकता है कि ये आखिरी अध्याय हो उनके लिए, या फिर इतिहास के पन्नों में कोई नया इतिहास रचने की तैयारी में हो वसुंधरा राजे जी। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से जमावड़ा विधायकों का हो रहा है, वो भी इस दौर में जब परिप्रेक्षकों का जाना बाकी है, और उस समय जो है विधायक जब आ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ बड़ा खेला हो जाए। क्या वसुंधरा राजे अपने आप से मुख्यमंत्री बनने की कयातें लगा रही हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी उनको मजबूरन जो है सीएम बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, या फिर अपने आप से ही वसुंधरा राजे सीएम बन जाएंगी, या फिर एक बड़ी जो खबरें चल रही हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी से मिलकर के भी कुछ एक नया सिलसिला जो है शुरुआत किया जा सकता है क्या। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अलग अलग चीजों पर अलग अलग लोगों की राय आ रही है। लेकिन बड़ी खबर यही आ रही है दोस्तों कि शीर्ष नेतृत्व की ओर से जो है राजनाथ सिंह जी, विनोद तावड़े और सरोज पांडे जी को जो है राजस्थान में परिपेक्षक के रूप में जो नियुक्त किया गया था, उससे पहले ही जो है वसुंधरा राजे के घर पे विधायक आने शुरू हो चुके हैं, और इस विधायकों की मीटिंग के साथ क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा ये आना काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो परिप्रेक्षक जो जा रहे हैं, जिसमें राजनाथ सिंह का जिक्र किया जा रहा है, ये राजनाथ सिंह जी को जो है यूं ही नहीं भेजा जा रहा है, इसके पीछे भी कई सारे मायने बताए जा रहे हैं। बता ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि राजस्थान के अंदर जो राजनीति है वो शायद राजनाथ सिंह से बढ़कर कोई नहीं समझ सकता है, जो शीर्ष आला जो नेता है उनके बीच में, और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे जी को मनाने के लिए जो है, या फिर कुछ समझाने के लिए जो है, वो जो चेहरा है वो सिर्फ इकलौते चेहरा है, वो है राजनाथ सिंह जी, जो कि शायद उनको समझा बुझा सकें कि आखिर जो है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी तक जो है कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है। बड़ी खबर जो है यही आ रही है कि परिप्रेक्षकों की मीटिंग से पहले ही जो है वसुंधरा राजे अपना खेला करना शुरू कर रही हैं। अगर विधायकों की संख्या बढ़ती है तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खबर
अच्छी नहीं होगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लगता है कि वसुंधरा राजे कहीं नहीं जाने वाली हैं, तो यकीनन ये भी जो है एक बड़ी खबर होगी कि एक नया चेहरा ऐसा दिया जाएगा जो लोगों को शायद उम्मीद भी नहीं होगी कि सीएम जो है ये भी चेहरा बन सकते थे। और देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं कह रहा था कि राजस्थान में कुछ ऐसा ही चेहरा आने वाला है जिसको लेकर के सब लोग आश्चर्यचकित होने वाले हैं कि ऐसा चेहरा भी जो है सीएम जो है भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। हालांकि क्या मन में चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पता नहीं है, लेकिन बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है। देखिए इसी सिलसिले में एक बड़ी खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय को जो है छत्तीसगढ़ के नए सीएम बना दिए गए हैं। जी हाँ, जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि छत्तीसगढ़ के सीएम जो है विष्णुदेव साय जी जो है बनेंगे। इसी तरीके से राजस्थान की राजनीति में भी जो है अलग तरीके से जो है खबरें आ सकती हैं कि हो सकता है कि वसुंधरा राजे भी ना बने, हो सकता है कि बाबा बालकनाथ भी ना बने, कोई ऐसा चेहरा, तीसरा ऐसा चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी दे सकती है जिसको लेकर के किसी को भी कानो कान जो है खबर नहीं होगी और ऐसा ही आश्चर्यचकित जो है सीएम चेहरा होगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी, खास मोदी जी जब भी कड़े फैसले लेते हैं, इस तरीके से फैसले लेते हैं कि लोग जो है आश्चर्यचकित जरूर हो जाते हैं। देखिए बड़ी खबर यह आ रही है कि इसी कवायतों के बीच में, राजस्थान पॉलिटिक्स के बीच में, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर कि राजस्थान के बाद राजस्थान में पहले देना था सीएम फेस, लेकिन जैसे एक्सपर्टों का मानना था कि जो है राजस्थान में बाद में चेहरा दिया जाएगा, उससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सीएम बना दिए जाएंगे। और देखिए कहीं ना कहीं ये सच्चाई हो रही है कि छत्तीसगढ़ में पहले जो है सीएम घोषित कर दिए गए हैं, यानी छत्तीसगढ़ पहला ये राज्य ऐसा बना तीन राज्यों में से जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सीएम चेहरा घोषित कर दिया है। जी हाँ, अब उसके बाद हो सकता है कि मध्य प्रदेश की बारी आए और लास्ट में आए वो राजस्थान। तो दोस्तों सबसे बड़ी खबर यही चल रही है कि क्या राजस्थान पॉलिटिक्स में सब कुछ ठीक चल रहा है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में सीएम जो है भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है, तमाम अटकलों को जो है खत्म कर दिया है छत्तीसगढ़ से। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ नया होने वाला है। फिलहाल वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा क्या कुछ आपके मन में चल रहा है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते हैं डेस्क न्यूज़। धन्यवाद।